अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका दोस्त आपका भाई ताहिर खान इस वक्त शांगला टॉप में। जब भी मैं शांगला आता हूँ तो शांगला टॉप से मैं वीडियो का आगाज़ करता हूँ। और आज हम इंजीनियर जुल्कर्नैन भाई से पूछेंगे कि हम शांगला में कहाँ पे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। जी नैन, बताइएगा कहाँ पे जा रहे हैं और किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम शांगला टॉप पे मौजूद है और हम जा रहे हैं पुरन जो है फूलों का एक शहर भी इसको कहते हैं पुरन। और हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वेल वाटर वेल के लिए, तो उसके लिए जा रहे हैं। कोई 300 घर हैं, उसमें पानी की जो है बड़ी किल्लत है और 2-3 किलोमीटर लोग पैदल और गद्दों पे जो है वो पानी लाते हैं, तो उसी प्रोजेक्ट के हवाले से हम जा रहे हैं इस वक्त। जी, तो नैन भाई ने बताया कि किस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने यही सोचा कि क्यों ना शांगला की जो खूबसूरती कई बार मैंने अपने पुश्तू व्लॉग में हमने दिखाया, लेकिन इस बार इंशाल्लाह उर्दू के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा शांगला की खूबसूरती भी, यहाँ के लोगों के जो भी तकलीफात है पानी वगैरह का वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ शांगला की खूबसूरती। शांगला टॉप वो हल खुना कही ना। अच्छा, अल्लाह खैर करे, क्योंकि डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत। वैसे नहीं, सींगों पे ये बंदा ऊपर कर ले। तो ये देखिए माशाल्लाह नैन वेट कर रहा है, तो अभी जाना पड़ेगा यार हमको। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं यख्तंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 2-3 बार पहले भी आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी कमाल का है। हमारे साथ बहुत ही मुआज़्ज़िज़ यहाँ के एक्स मिनिस्टर, टूरिज़्म के एक्स मिनिस्टर अब्दुलमनीन हाजी साहब यहाँ पे मौजूद है। और ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये माशाल्लाह इनकी बदौलत है। सर, ये बताइएगा ख्याल कैसे आया PTI गवर्नमेंट के, जो पिछली गवर्नमेंट थी आप लोगों की, जो आप लोग इख्तदार में थे, तो ये आइडिया कैसे यहाँ पे आया और किस तरह आपने यहाँ पे ये जगह डेवलप की? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ऐसे कि ताहिर खान हमारा जो मोहम्मद इमरान खान का जो विजन है जी, वो ये कि उसका ज़बरदस्त सोच इस पाकिस्तान के लिए, वो कह रहा था कि अगर हम मलकंड डिवीजन और हज़ारा को हम सिर्फ टूरिज़म पे तवज्जो दे दें, तो हमारा पाकिस्तान ने कोई
कर्जे की जरूरत होगी, हाँ ना आईएमएफ की जरूरत होगी, क्योंकि आप देखें स्विट्जरलैंड से ही तो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत उसका सिर्फ ये इन्हिसार सबसे मतलब बड़ा उसको जो है उसका टूरिज्म है। और मैं अपने पंजाब के भाइयों और सारे पाकिस्तान को हम ये आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे लोगों को आपके के थ्रू कि आप इधर आए। पहले तो ये सिस्टम था, हम जब स्पेन गए थे इस टूरिज्म के हवाले से और इंग्लैंड गए थे तो उधर जब भी लोगों से टूरिज्म की और पाकिस्तान की बात करते तो लाइनहार्ट सिचुएशन ऐसे सूरत हाल थी जी, जी। अलहमदिल्ला वो ख़त्म हो चुके हैं। दूसरा अहम बात, 2014 में जब हमारी हुकूमत थी और अभी अलहमदिल्ला पीटीआई की हुकूमत है तो पहले इस पर एक उसको एनओसी जारी करना था, वो अच्छा। सिस्टम भी ख़त्म हो गया, फॉरन आ सकता है और आ भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया अजी साहब, आजी साहब का जो विजन था माशाल्लाह आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मैं यही कह रहा हूँ कि टूरिज़्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इदारा है हर मुल्क के लिए। जिस तरह आप तुर्की देख ले, स्विट्ज़रलैंड देख ले, यूके देख ले, वहाँ की ज़्यादा जो माशी सूरत हाल है तो वो टूरिज़्म पे होता है। तो ये आप लोगों ने देखा, हमारी रिक्वेस्ट है आप यख्तंगी ज़रूर आए, यहाँ का विज़िट आप ज़रूर करें। शुक्रिया। अच्छा, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पुरन और ये हाजी साहब का हुजरा है माशाल्लाह, जो एक्स टूरिज़्म मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हम इनके मेहमान भी हैं। और जो हमारा काम था यहाँ पे, हमने थोड़ी सी जगह का विज़िट भी करना है जहाँ पे लोगों को पानी की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे स्टे भी होगा। खाना खाने के बाद यहाँ से फिर हम इंशाल्लाह निकलेंगे जो हमारा स्पॉट है, जहाँ पर इंशाल्लाह हमने चेक करना है कि पानी की किल्लत कौन सी जगह पे, और इंशाल्लाह फिर अपनी टीम के साथ मिलकर उस जगह पे काम करेंगे। तो स्टे विद अस। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह लंच हो गया और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं हाजी साहब के दायरे में। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन जिस काम के लिए हम आए तो हम इंजीनियर साहब से पूछेंगे कि उसका क्या करेंगे। जी शुक्रिया तहर खान लाला। ऐसा है कि अभी हम जाएंगे साइट विज़िट करेंगे, इधर तकरीबन कोई 300 घर हैं और उसमें पानी की बहुत किल्लत है, तो हम साइट विज़िट अभी करेंगे। माशाल्लाह जगह जो है पुरन कहते हैं चौधरी का चांद, चौधरी के चांद को माशाल्लाह, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है। मौसम भी जून में हम जो है वैसे ही बैठे हुए हैं बग़ैर पंखे के, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है। लोगों के बारे में यार, बहुत ही माशाल्लाह मेहमान नवाज लोग हैं, जिनसे भी मिलो तो वो मुस्कुरा के बहुत प्यार से मिलते हैं लोग। वैसे शंगला के लोग ओवरऑल बहुत नरम लोग हैं, ज़बान के लिहाज से भी और दिल के लिहाज से भी काफ़ी नरम लोग हैं, तो बहुत ही अच्छे लोग हैं।
अच्छा तो स्पॉट जो स्पॉट था वहाँ पे हम पहुँच चुके, पिछोल नाम है इस जगह का। तकरीबन 300-400 घर है यहाँ पे। हमने सर्वे भी की, जगह भी देख ली, लोगों से भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या पानी का क्या सीन है। तो इंशाल्लाह फर्दर इस पे अपनी टीम के साथ डिस्कस करेंगे। इलाका बहुत ही खूबसूरत है लेकिन पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है। लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह, इस पे हम बैठेंगे, बातचीत भी करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पे हमारा जो वेल प्रोजेक्ट है उसका क्या करेंगे। अब यहाँ से वापसी है, वापसी हमने जाना है तकरीबन हमारे लगेंगे 5 घंटे बटखेला। तो इंशाल्लाह यहाँ से वापसी है और आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह हम रास्ते मिलेंगे। अच्छा जी, तो हम हाजी साहब के डेरे पे पहुंच चुके हैं। हमारा विज़िट हुआ बहुत ही मुफीद विज़िट, इंशाल्लाह उस पर बात होगी, अपनी टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। ये जो नौजवान है माशाल्लाह, इसने कितना वज़न आपने लूज़ किया? तकरीबन 35 kg। 35 और कितने अरसे में? 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने में इस बंदे ने 35 kg तक वेट लूज़ किया। और मुझे पता है कि वेट लूज़ किस तरह होता है, ये डेडिकेशन चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होता है। तो माशाल्लाह हाजी साहब का बेटा ये, और हमें बहुत खुशी हुई कि हम यहाँ पे आए। और इंशाल्लाह ये अभी मुकाबला है मेरा आपका, ठीक है? मैंने भी अभी दोबारा से वेट लूज़ करना है। नहीं आप तो फिट हो गए। नहीं यार, ये देखो पेट फिर से निकल गया ना, वो हाइकिंग वगैरह तो कर लेता हूँ लेकिन जिम मैंने छोड़ा हुआ है, तो अभी दोबारा से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। चले जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ब्लॉग से आप लोगों ने मज़े लिए होंगे, क्योंकि यार शांगला पीरपुरान इतनी खूबसूरत जगह आप लोगों की दिखाई। तो अगर आप लोगों ने मज़े ना लिए तो ये तो आप लोगों की गलती की, मेरी तो नहीं है। मैंने तो आप लोगों को बेस्ट मैंने किया है कि यार आप लोगों को शांगला पुरन दिखाऊं। पुरन के जितने भी लोग हैं जो परदेश में हैं, सबको मेरी तरफ से मोहब्बत और सलाम। अपने ताहिर भाई को दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।